आप लोग देख सकते हैं कि राजेंद्र पुल का जो है नया रेलवे स्टेशन का निर्माण चल रहा है काफी तेजी गति से और काफी ही काम कर लिया गया है। आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्द राजेंद्र पुल का जो है नया रेलवे स्टेशन देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल। जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं राजेंद्र पुल। और राजेंद्र पुल क्यों पहुंचे हैं आपको बता दें कि राजेंद्र पुल पे नया वाला रेलवे स्टेशन का निर्माण चल रहा है, जो कि काफ़ी ही तेज़ी गति से इस रेलवे स्टेशन का काम किया जा रहा है। और लगभग आपको बता दें कि 80-85% तक काम को कंप्लीट कर लिया गया है। आने वाले 1-2 महीने के बाद आप लोगों को ये नया रेलवे स्टेशन पूरा कम्प्लीटली देखने के लिए मिल जाएगा। तो पूरा डिटेल देने वाले हैं इस रेलवे स्टेशन के बारे में और जानकारी देंगे कैसा बन रहा है, देख सकते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और भाई को अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर भी जाके भी फॉलो कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि इधर का जो है, आप लोग को बता दें कि अप एंड डाउन का जो है पटरी यहाँ बीच में बिछाया जाएगा और ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इधर देख सकते हैं एक प्लेटफॉर्म उधर बनेगा, एक प्लेटफॉर्म इधर बनेगा, जो कि काफ़ी ऊपर से ओवर ब्रिज भी बनेगा ताकि आने जाने में किसी यात्रियोंगण को दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये देख सकते काफ़ी इसका भी काम कर लिया गया है काफ़ी। और आप लोगों को 2023 में ही 1-2 महीने के बाद आप लोगों को पूरा कम्प्लीटली काम देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा जो है काम यहाँ पे किया गया है। ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में स्ट्रक्चर का काम जो है पूरा कम्प्लीट कर लिया गया है। बस यहाँ पर जो है टाइल लगाना बाकी है और नीचे में जो है आप लोग ये दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में जो है पटरी को बिछाना बाकी है और बाकी जो है सारा काम कर लिया गया है। उसके बाद जो यहाँ पे ओवरब्रिज बनेगा, ताकि जैसे कि आप किसी भी स्टेशन के पास देखते होंगे कि ओवरब्रिज होता है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए। ये नीचे का नज़ारा NH 31 से नीचे का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर बनेगा टिकट काउंटर और जो है यात्रियों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी और काफ़ी ही शानदार तरीके से बनाया जा रहा है। इसको बन जाने से, कम्प्लीटली बन जाने से जो भी सिमरिया घाट आते हैं उन यात्रियों को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं अब यहाँ पे टिकट भी जो है काउंटर ही बनेगा, काफ़ी ही अच्छा लगेगा देखने में। जैसे बनेगा वैसे आप लोग को वीडियो